हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 7.2 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इक्वल है बी सी के, ये ए डी साइड जो है वो इक्वल है बी सी साइड के, एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला जो एंगल है पूरा कंप्लीट यहाँ डी ए बी वो इक्वल है सी बी ए के, सी बी ए के इस पूरे एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। इट मीन्स सी फिगर, फिगर आपको दिया हुआ है, प्रूव करना है। नंबर फर्स्ट देखें, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी जो ट्रायंगल दिख रही है अपने को, ए बी डी ये जो ए बी डी ट्रायंगल है, ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी कहाँ है, ये है बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट अपने को दिखानी है। देखें बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, बी ए सी कहाँ है देखें, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करने की, ये है और इसके साथ में खींच लेता हूँ ये लाइन, ये ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है ए बी डी, तो ट्रायंगल लेंगे इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ट्रायंगल बी ए सी में, इन बी ए सी में देखो ए बी डी कहाँ है ट्रायंगल, ए बी डी ये ऊपर वाली ट्रायंगल जो दिख रही है अपने को, ये ट्रायंगल और बी ए सी, बी ए सी जो मैंने ग्रीन से डार्क करने की कोशिश की है, अलग से देखें बी ए सी, बी ए सी के ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने को प्रूव करना है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले ली। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखो ये जो साइड दिख रही है अपने को, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो हम बोल सकते हैं ए बी साइड इक्वल है किसके, ए बी साइड, ये क्या है कॉमन साइड, ये क्या है कॉमन साइड, ए बी इक्वल टू ए बी क्या है ये कॉमन साइड। दूसरा देखें इस जो ये ग्रीन ट्रायंगल है इसका ये वाला जो एंगल है और ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ऊपर वाली ट्रायंगल ए बी डी इसका ये ए एंगल, ये दोनों क्या है इक्वल है एंगल, ये गिवन है अपने पास डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये क्या है अपने को गिवन है, ये एंगल क्या है अपने को गिवन है। देखें जो कॉन्ग्रेंट हम करते हैं जब ट्रायंगल को, तो उसके क्राइटेरियन ये पांच होते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो यहां पे ए बी इक्वल टू ए बी हो गया और एंगल आ गया, एक चीज और बच गई अपनी, अब वो और देखते हैं कि वो क्या है। देखो यहां पे हमें एक चीज और भी है कि ये जो साइड थी ये बी सी, ये इक्वल दे रखी है ए डी के, ये दे रखी ए डी इक्वल है, देखो ए डी इस ट्रायंगल का हो गया ऊपर वाले ट्रायंगल का और बी सी इस वाले ट्रायंगल में हो गया, ये जो ग्रीन ट्रायंगल है इसमें हो गया, बी ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, ये क्या है अपने को ये भी गिवन है ये साइड। तो क्या क्राइटेरियन बना इनमें से, देखो साइड आई फिर एंगल आया बीच में और फिर ये साइड आई, ये तो कॉमन साइड थी ना, ये क्या थी दोनों की कॉमन साइड थी, तो साइड एंगल और साइड से हम बोलेंगे देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो गई, नंबर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट देखो बी डी इक्वल है ए सी के, बी डी देखिए कहां है, बी डी ये रहा और ए सी ये रहा, तो एक बात देखिए जब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो हैं वो क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे भाई। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी शेप और साइज इक्वल हो। अब ये जो
इसका AC है वो ये ट्रायंगल घूम के इसके ऊपर आएगी तो BD को ढक देगा ना, AC BD को ढक देगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं BD इक्वल टू है AC के, क्यों बोल देंगे सीधा बाई, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट नहीं होती और अपने को सिंपली ये पूछता तो हमें इनको कॉन्ग्रेंट करना होता, उसके बाद ही बोलते ये बात। तो बाई सीपी सीटी से, बाई सीपी सीटी से ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। सीपी सीटी मींस कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है एंगल ए बी डी। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, ये जो ए बी डी है ये ए बी डी एंगल इक्वल है किसके, बी ए सी के। बी ए सी कहाँ है इसमें, बी ए ये वाला, इस वाले के बी ए सी के, तो ये भी इक्वल होगा। ये भी क्यों इक्वल होगा भाई, कोरस जब दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट कर दी हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल हैं और उनके एंगल भी इक्वल हैं। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल ए बी डी इक्वल, लिख सकते हैं हम एंगल बी ए सी के, एंगल ए बी डी। देखो ना ये तो इस ट्रायंगल का था और ये किसका है, इस ट्रायंगल का है। तो ये जब ट्रायंगल घूम के इसके ऊपर सेट होगी तो ये एंगल, ये पूरा एंगल इसी पे, तो पूरे एंगल पे आएगा, तो इसका ये एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा। तो ये बोलेंगे बाई सीपी सीटी से, देख ये दोनों भी क्या हैं एंगल्स इक्वल है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड।